दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे। आप लोग जानते हैं ना कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी है, UP SSC PET का, जैसे कि आंसर के आने के बाद में सभी लोगों के मन में एक उत्साह सा हो गया है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो हम पिछले वीडियो में कट ऑफ भी बता चुके हैं, जा करके सर्च कर लेना हमारे इस चैनल में, वीडियो में जा करके, और दोस्तों में भी उसे शेयर कर देना। उसके आधार पे हम आपको एकदम लाइव न्यूज़ दिखाएंगे, साइड में हम आपको दिखाएंगे कि कितना लोगों ने परीक्षा छोड़ा है। और ये जो न्यूज़ है हिंदुस्तान पेपर का है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि ये सब जो हिंदुस्तान है या वगैरह वगैरह, हम ज़्यादातर प्रमोट तो हम किसी की न्यूज़ का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम किसी को प्रमोट करते ही नहीं हैं, या इस छात्र शक्ति AY चैनल पर किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी हो। हाँ, इस पे कॉल क्या होता है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा रहता है उस क्वेश्चन को, या वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी दी जाती है, या अभ्यर्थियों के प्रति जो भी होता है, द्वैत शासन जो जो भी चलाता है उसके प्रति, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाया जाता है इस चैनल के अंतर्गत में, या इस पे किसी का भी प्रमोशन वमोशन नहीं किया जाता है। और ये चैनल कोई पैसा कमाने के मकसद से नहीं बनाया गया है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैनल पर सर ने प्रमोशन करें, किसी हम न्यूज़ का प्रमोशन नहीं करें, बस हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें साइड में आपको चल रहा है ना, हाँ देखिए आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि हिंदुस्तान ऐप का है, UP SSC PET 2022 2 दिन में 25 लाख ने दी परीक्षा और 12 लाख से अधिक ने छोड़ी। 12 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा क्या क्या है छोड़ा है। अगर हम आगे बात करें तो UP SSC PET 2022 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के दूसरे दिन रविवार को भी 2 पालियों में पड़ी, यानी कि 15 तारीख को भी 2 पाली में, और उसके बाद जो रविवार को 16 अक्टूबर को हुआ वो भी 2 पाली में हुआ। आगे हम बता दें कि इसमें यह है कि UP SSC PET 2022 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के दूसरे दिन रविवार को 2 पालियों में परीक्षा हुई। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, यानी कि कहीं ना कहीं घटनाएं हुई हैं इसके अनुसार भी। अगर हम बात करें कि आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने इसे सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा करार देते हुए कहा कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। शनिवार और रविवार को 4 पालियों में हुई इस परीक्षा में प्रदेश भर में कुल 37,58,209 अभ्यर्थियों ने क्या किया, पंजीकृत किए थे। 37,58,209 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत किए थे, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिनमें से 25,11,968 ने परीक्षा दी है। 25,11,968 अभ्यर्थियों ने क्या किया है, परीक्षा दिया है, और 12,46,241 ने परीक्षा छोड़ी है। इस तरह से दोनों दिनों में 67 यानी कि 67% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, और 33% यानी कि 33% परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। रविवार को भी पहली पाली में राज्य के सभी जिलों में कुल 1,899 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई, ठीक है। कुल 9,39,553 परीक्षा पंजीकृत थे, जिनमें से 6,33,025 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, और 3,06,528 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस तरह से रविवार की पहली पाली में कुल 67% परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, और 33% परीक्षार्थी ने परीक्षा को छोड़ दी है। बताया जाता है कि परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों में काफ़ी दूर बनाने की वजह से अधिकांशतः महिला परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश देने से पहले परीक्षार्थियों के मोबाइल पर सभूषण आदि जमा करवा लिए गए थे, ठीक। रविवार की दूसरी पाली में कुल 9,39,550 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पंजीकृत थे, जिनमें से 6,29,725 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, और 3,09,825 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में शामिल नहीं हुए, ठीक है। 825 परीक्षार्थियों ने क्या हुआ, शामिल नहीं हुए। इस तरह से दूसरी पाली में भी 67 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 33% परीक्षार्थियों ने छोड़ दी। ये रहा प्रथम और द्वितीय पाली का। अगर हम आगे बात करें कि जो भी परीक्षाएँ सब मिला करके, आप लोग तो देख ही लिए, जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपके केवल 67% ही प्रेजेंटिंग रहे, 33% ने परीक्षा छोड़ दिया है। तो टोटल टोटल हम आपको बताएं ना कि टोटल जो है 37,58,209 परीक्षार्थियों ने पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जिसमें 25,11,968 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है, 12,46,241 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया है। और ये किस लिए छोड़ा है, आपको भी मालूम होगा कि आपके घर से सेंटर की दूरी कितनी थी, और ज़्यादातर लड़कियों ने छोड़ा है,
ठीक है, लड़कों ने ज़्यादा परीक्षा नहीं छोड़ा, ज़्यादातर लड़कियों ने छोड़ा है क्योंकि उनके जाने आने की सुविधा नहीं था, किसी घर गार्जियन नहीं था ले जाने के लिए, और घर के जो भी है माई माँ बाप जो भी हो वो उनको अकेले नहीं भेज रहे थे, इसलिए इन लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। तो यही आपका डाउट था कि किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया था कि कितने परीक्षार्थी ने परीक्षा दिया है, कितने ने छोड़े हैं, और कितना परसेंट शामिल रहे, कितना परसेंट ने एबसेंट रहे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।